हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए छोटे से टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नहर और महाद्वीपों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन, चार ऑप्शन के साथ में, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। आपके ऑप्शन ए भूमध्य सागर एवं लाल सागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी अरब सागर एवं हिंद महासागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो, विश्व की सबसे जहाजरानी नहर कौन सी है। ऑप्शन ए पनामा नहर, ऑप्शन बी स्वेज नहर, ऑप्शन सी कील नहर या ऑप्शन डी सू नहर। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर क्या जोड़ती है। ऑप्शन ए भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन बी भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, ऑप्शन सी लाल सागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन डी भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर चार, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1874 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1896 ईस्वी में। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पाँच, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी। ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1874 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1896 ईस्वी में। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर छः, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 64.8 किलोमीटर, ऑप्शन बी 106.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 156.4 किलोमीटर या ऑप्शन डी 168 किलोमीटर। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 168 किलोमीटर। अगला प्रश्न नंबर सात, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए अमेजन नदी, ऑप्शन बी मिसोरी नदी, ऑप्शन सी सेंट लॉरेंस नदी या ऑप्शन डी जैम्बेजी नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जैम्बेजी नदी। प्रश्न नंबर आठ, अगला प्रश्न, कील नहर किसे जोड़ती है। ऑप्शन ए मैनचेस्टर को लिवरपूल से, ऑप्शन बी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ऑप्शन सी भूमध्य सागर को लाल सागर से या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नाइन, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न, क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एशिया। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी
अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूरोप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एशिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी अंटार्कटिका। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी अंटार्कटिका। तो इसका हमारा सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी अंटार्कटिका को। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एशिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी अफ्रीका या अंटार्कटिका। ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अफ्रीका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है कि किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावना के कारण भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एशिया को भंडार ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एशिया को, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका, डी अंटार्कटिका। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर रेखा गुजरती है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न के ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका। अगला प्रश्न, उस प्रश्न नंबर 23, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए गॉडविन आइंस्टीन, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट,
ऑप्शन सी कंचनजंगा या ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इसकी सबसे हाईएस्ट ऊंची सर्वोच्च शिखर पर्वत कौन है, इसका ऑप्शन बी होगा माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 25, सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अफ्रीका। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूरोप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, इसमें पूछा गया है कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, डी अंटार्कटिका। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, डी अंटार्कटिका। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, विश्व किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अफ्रीका। तो इसी के साथ हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।